दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार कल यानी सोमवार को शपथ ग्रहण करेंगे। एनडीए ने आज उनका नाम फाइनल कर दिया। उनको बकायदा विधायक दल जो एनडीए का है यानी जेडीयू, बीजेपी, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी, चारों के एमएलए की मीटिंग हुई। राजनाथ सिंह दिल्ली से गए थे बीजेपी के ऑब्जर्वर बनकर, और वहां नाम तय हो गया कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और उनको शपथ कल दिलाई जाएगी। अब सवाल इस बात का है कि नीतीश कुमार का नाम तो तय हो गया, लेकिन सुशील मोदी जी का नाम अभी तक तय नहीं हो पाया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस वक्त भी सुशील मोदी के भविष्य को लेकर कोई सफाई नहीं है, बल्कि इतनी सफाई जरूर है कि हो सकता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो बिल्कुल न बने। और इस बार ये संकेत इसलिए मिला कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने अपना जो नेता चुना वो कटिहार के एक एमएलए को चुना, जो चौथी बार के विधायक हैं। उनका नाम है तार किशोर प्रसाद, और तार किशोर प्रसाद साहब ये सुशील मोदी की तरह ही वैश्य समाज से आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक डिप्टी लीडर के लिए भी एक अति पिछड़े समुदाय की एक महिला का नाम, महिला विधायक का नाम तय हुआ है डिप्टी लीडर बीजेपी की। वो है रेणु देवी, वो बेतिया से, वो भी चौथी बार विधायक बनी है। इन दोनों के बारे में स्वयं सुशील मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि ये लोग बनाए गए हैं, उनको उन्होंने बधाई दी। और उन्होंने जो बात कही है वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि तार किशोर जी को भाजपा विधानमंडल का नेता सर्वसम्मति से चुने जाने पर कोटिश्या बधाई। दूसरा ट्वीट किया नोनिया समाज से, जाति भी उन्होंने बताई। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जात पात में उसका यकीन नहीं है, वो सिर्फ धर्म की पार्टी है। नोनिया समाज से आने वाली बेतिया से चौथी बार विधायक रेणु देवी को उपनेता बनने पर बधाई, ये उन्होंने कहा। लेकिन अपने बारे में जो ट्वीट किया वो बड़ा दिलचस्प है, खासकर उसकी आखिरी लाइन। उन्होंने कहा कि भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया है कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन मैं करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। ये जो आखिरी लाइन है वो बहुत ही पेंचदार है, बहुत ही भेद खोलने वाली है, या कहीं ना कहीं इसमें सुशील मोदी की एक निराशा है या एक नाराजगी भी आप कह सकते हैं। लेकिन क्या सुशील मोदी अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनते, जिसकी पूरी संभावना है, तो क्या वो केंद्र में लाए जाएंगे? केंद्र में लाए जाने का अगर उनको कोई संकेत होता अभी फिलहाल, तो शायद ये आखिरी लाइन क्यों उन्होंने डाली, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या हो सकता है कि सुशील मोदी को गैर जानकारी, उनको जानकारी अभी न हो केंद्रीय नेतृत्व के फैसले की, और वो जल्दबाजी में उन्होंने ये लाइन लिख दी हो। अब ये तो बात पता चलेगी बाद में। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि एक नीतीश कुमार जी के जो जोड़ीदार इतने लंबे समय से रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि दोनों के बीच गजब की समझदारी है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और जेपी मोमेंट के दौरान भी ये दोनों बिल्कुल साथ थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता थे सुशील मोदी, और नीतीश कुमार जो हैं वो समाजवादी धारा से जुड़े थे उन दिनों। दोनों पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, दोनों प्रतिभाशाली थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं बिहार में, उनमें सुशील मोदी एक आर्थिक मामलों में बहुत अच्छी समझ रखने वाले नेता हैं। तो ये हो सकता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद से हटाकर केंद्र में उनको लाया जाए। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रामविलास पासवान के निधन से जो रिक्त हुई सीट है राज्यसभा की वो खाली है, और उस पर बीजेपी चाहे तो अपना कोई नेता जिता सकती है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त अगर तार किशोर प्रसाद जो कटिहार से एमएलए हैं उनको अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, तो नीतीश कुमार को उनके मन माफिक का डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं मिलेगा। रेणु देवी को अगर बनाया जाता है, या दोनों को बनाया जाता है, जैसे यूपी में बने हैं दो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो ये बहुत संभव है कि एक बैलेंस कायम किया जाएगा। रेणु देवी जो हैं महिला के साथ अति पिछड़े समाज से आती हैं, बेतिया जिले से आती हैं, बेतिया इलाके से आती हैं, चार चार बार विधायक हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व
बिहार में बीजेपी के टेक ओवर के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर रहा है, क्योंकि सुशील मोदी बीजेपी में आमतौर पे एक अलग ढंग के नेता माने जाते रहे हैं। अब बीजेपी खांटी आरएसएस मार्ग का नेता, जो बिल्कुल हिंदुत्व ब्रांड का नेता हो, उस तरह के नेताओं को आगे लाना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि आज की तारीख में इस गठबंधन में वो सबसे बड़ी पार्टी है और नीतीश कुमार सेकेंड पार्टी है, यानी जेडीयू उनसे बहुत नीचे है। वो कुल मिलाकर बीजेपी के रहमो करम पर चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं और उसके भी कारण है, इसका भी मैं खुलासा किसी न किसी दिन जरूर करूंगा कि बीजेपी क्यों उनको मुख्यमंत्री बनाने पर वाकई राजी हुई और इसके पीछे उसके क्या निहितार्थ हैं। तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो बीजेपी हर हालत में चाहती है कि मौजूदा सरकार में हिंदुत्व जो उसकी ब्रांड है, जो हिंदुत्व उसकी राजनीति है, उसका डोमिनेंस रहे और विधायक ही केवल नहीं बल्कि पूरी कैबिनेट में वो दिखाई दे। और इसीलिए मुझे लगता है कि सुशील मोदी की जगह तार किशोर प्रसाद को और रेणु देवी को लाया जा रहा है। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये दोनों बनते हैं या सिर्फ कोई एक बनता है, तार किशोर प्रसाद बनते हैं, तो आरएसएस पूरी तरह अपने ढंग से काम कर पाएगी और उसमें कोई बौद्धिकता, कोई एक यूं कहा जाए कि नीतीश जी और सुशील मोदी की बचपन की जो दोस्ती है, छात्र आंदोलन की जो दोस्ती है, उसका कोई बड़ा रोल नहीं रहेगा। तो अंत में अगर मैं बहुत संक्षेप में इस पूरे घटनाक्रम को बताऊं कि ये न्यू सेट ऑफ लीडरशिप को बीजेपी जो लाना चाहती है उसमें बिहार को भाजपा प्रदेश बनाने का उसका एजेंडा सबसे डोमिनेंट है, सबसे ज्यादा उसका महत्व है। क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि भले ही वो सरकार बना ले रही है, भले ही उसको सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इस बार चुना गया है जनता द्वारा, लेकिन गुजरात की तरह, मध्य प्रदेश की तरह और दूसरे और कई प्रदेशों की तरह बिहार आज भी भाजपा का प्रदेश नहीं है। भाजपा को जो सेकंड पार्टी बनने का मौका भी मिला है, उसके पीछे हिंदुत्व आधारित राजनीति कम और जात आधारित राजनीति ज्यादा है। अपर कास्ट का एक बड़ा हिस्सा उसने वोट किया है और साथ में अन्य तबकों ने भी उसको समर्थन दिया है, जेडीयू वगैरह की वजह से। ये सब बड़े कारण है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के लिए इस बार की सरकार वाकई उतनी आसान नहीं होगी चलाना, अपने मन से या अपने तौर तरीके से, जो ब्यूरोक्रेसी के बल पर पूरी की पूरी सरकार चलाते थे अपनी मर्जी से, इतना अब इस बार उनके कार्यकाल में यह ऐसा संभव नहीं होगा। तो देखना यह होगा कि सरकार कैसे चलती है, कितने दिन चलती है और क्या इक्वेशंस होते हैं। इन शब्दों के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.